है, अब पूरे खुल गए सबके लिए, जिसको जितना बेचना है बेचो, आराम से बेचो, किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये सुनते ही लोगों ने भर भर के कल बेचा है, कितना बेचा है, क्या कुछ किया, आज क्या हो रहा है, जरा एक बार इसकी डिटेल्स कान खोल कर सुन लीजिए। अरमान हमारे साथ है पूरी डेटा के साथ में। अरमान बताइए कल क्या हुआ है। सर कल जो अभी तक के इनका लिस्टिंग के बाद से एक साल में कल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है वो पांचवा सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो हुआ है। लगभग 23.2 करोड़ शेयर्स है जो इनके ट्रेड हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप ये जो पांच की जो लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जो टॉप फाइव है उसमें से जो टॉप थ्री है वो तो लिस्टिंग के आसपास के ही है। जैसे 23 जुलाई को तो लिस्टिंग ही हुई थी और 26 जुलाई 27 जुलाई। उसके साथ साथ अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो औसतन जो डिलीवरी परसेंटेज जोमेटो का रहता है वो 33% है और जो कल जो डिलीवरी परसेंटेज हुआ वो भी 35.2% रहा। उसी के साथ साथ अगर एक तरीका और है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डिलीवरी लेके गए, अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा सबसे बड़ा दिन था जिसमें लगभग 8.2 करोड़ शेयर्स जो है वो डिलीवरी वॉल्यूम में गए। पहले दिन हुए होंगे उसको तो छोड़ दो, एग्जैक्टली लिस्टिंग के दिन वाले की तो कोई मतलब नहीं है, लिस्टिंग से पहला दूसरे दिन को तुम्हें मिलता मिलता ही नहीं। यस सर, तो उसके बाद सबसे हाईएस्ट डिलीवरी, सबसे ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी में हुई है 30 नवंबर को। इसलिए सर क्योंकि 29 नवंबर को इन्होंने क्योरफिट में स्टेक खरीदा था। अच्छा। उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 750 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो 30 नवंबर को ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ 15.2 करोड़ का, ये डिलीवरी वॉल्यूम है सर। Okay. और उसके बाद ये फिर सबसे हाईएस्ट है 8.2 करोड़ जो कल हुआ डिलीवरी वॉल्यूम। और परसेंटेज के हिसाब से औसतन अगर देखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी परसेंटेज अगर पूरे एक साल का देखेंगे तो लगभग 33% है और अभी जो आया है वो 35.2% आया है। तो इन अ सेंस कहने का मतलब ये है कि लिस्टिंग के अलावा अगर देखे जाए तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हुआ है और डिलीवरी जो ले गए हैं नंबर ऑफ शेयर्स की वो भी काफी ज्यादा है। तो मतलब जम जम के लोगों ने बेचा है, दबा दबा के बेचा है कल तो, और शुरुआत कर लिया आज भी देखो दिख रहा है वॉल्यूम बड़े 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 होते दिख रहे हैं। जरा अविनाश जी राय दीजिए जोमेटो पर। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जैसे सुमित जी ने कहा था कि ये 25-30 रुपए वाला स्टॉक होने वाला है, फंडामेंटल्स में इस कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉन्फिडेंस यू नो इवोक करे, क्योंकि पहले तो कामकाजी मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है। ऐसे कंपनी को अच्छे बाजार में आईपीओ मिला, यही इनका अच्छा लक फैक्टर था, लेकिन आने वाले दिनों में अगर यू नो प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है और कैश बर्न कंटिन्यू होता है तो मुझे भी लग रहा है कि कम से कम ये स्टॉक काफी भारी गिरावट दिखाएगा। और जिस प्रकार का अभी ये यू नो एग्जिट क्लॉज यू नो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, काफी ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत कम भाव पे जोमेटो का शेयर मिला है तो वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूल करेंगे। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि इस शेयर से बिल्कुल निकल जाए, जिनके पास शेयर है वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाए क्योंकि आने वाले दिनों में और भी भारी गिरावट आ सकती है। तो गिरावट आने के और भी आसार है। थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, गलती हो गई माफ करना, आगे से नहीं करेंगे। अब यही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा तो और क्या इलाज है। बुरा तो लग रहा है कहते हुए, लेकिन क्या करें, ये हाल है जोमेटो का। आइए लेकिन सुमित जी ने सबसे पहले जोमेटो, सुमित जी कौन से भाव से बेचने की बोल रहे हैं आप? अनिल जी आपको ध्यान होगा मेरा वो डायलॉग, जोमेटो इज इक्वल टू टोमेटो। टोमेटो वो तो व्हाट्सएप से लिया था आपने, ओरिजिनल थोड़ी था। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी था बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा हाँ भाई देवे, ऐसे ये बात सही है, बहुत सारे हमारे डायलॉग व्हाट्सएप पे बाद में वो वायरल होने लगते हैं। वो हमारे दर्शक ने वो पनीर वाला लिखा था, दूध फट गया तो फिर क्या करेंगे, मैंने कहा उस पे भी जीएसटी रिफंड मिलेगा क्या? रिफंड तो मिलेगा ही, वायरल लेकिन पनीर बना लिया तो और 5% जीएसटी लग जाएगा, तो वो वायरल तो आपका ओरिजिनल सुमित जी एक्सेप्टेड, क्योंकि नहीं ऐसा तो यही फॉर्मूला मैं अपने ऊपर लगाऊंगा तो मेरा भी तो गिर जाएगा। चलिए तो ये जी।